हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, गेट अनदर व्लॉग, गेट अनदर गुड डे. सो आई जस्ट गॉट अप, मैं 11 बजे उठी थी. वेरी लेट आई नो, बट तब भी हॉलीडेज चल रही हैं तो आराम इज़ द प्रायोरिटी. 11 बजे उठी थी, आई हैड अ गुड ब्रेकफास्ट, आई टुक अ गुड बेथ एंड नाउ नहा ली अच्छे तरीके से. और अब आज का जो स्केड्यूल है, टास्क, मैंने पहले भी एक किसी व्लॉग में बताया होगा, ये आज का जो टास्क है, आई एम गोइंग टू दी डेंटल क्लिनिक टू गेट अ रूटीन चेकअप. मेरी फीलिंग हो रखी थी तो उसका रूटीन चेकअप होना है. लास्ट टाइम मैंने केम टू दिल्ली, व्हेन आई केम होम, मैंने फीलिंग कराई थी और अभी उसका, यू नो, आई नीड टू गेट दैट चेक वेदर इट्स इंटैक्ट और नॉट. और उसके बाद आई डोंट नो व्हाट्स द प्लान, मे बी मुझे एक और चेकअप, रूटीन चेकअप के लिए जाना है, या हम बाहर घूमने जाएंगे, वो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है. और हाँ, आज लंच में वाह बहुत स्वाद खाना बनने वाला है. मम्मी ने पूछा था तुम्हारी फरमाइश क्या है, मेरे से पूछा था, एंड आई वॉज लाइक मम्मा कढ़ी खानी है. सो मम्मी हैज प्रिपेयर्ड कढ़ी का पूरा तामझाम. और जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और वहां से जब आऊंगी, तब तक मम्मा लंच बना लेगी, बहुत टेस्टी टेस्टी. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे. चलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, इधर आओ, हाय बोलो सबको. हाँ. सबको हाय बोल दो. हाय. हाय एवरीवन. गुड मॉर्निंग बोलो. गुड मॉर्निंग. आई लव यू बोलो. अरे ये सब नहीं बोलते कैमरा पे. अरे सबको बोलो, सब बोलो आई लव यू एवरीवन. आई लव यू एवरीवन. Like the last clip, you must have seen that, you know, I've gone to the dental clinic. उसके बाद मेरी फीलिंग हो गई थी और मेरे को काफ़ी दर्द हो रहा था. मैं रूटीन चेकअप ले गई थी बट एक दो जगह और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, उसके वजह से वो वहाँ पे फीलिंग कर रही थी एंड जिसके वजह से, यू नो, जॉज बहुत स्ट्रेन हो जाते हैं, कभी कभार दर्द भी हो जाता है, बहुत सारे सेंसेशन होते हैं एंड आई वॉज फीलिंग द सेम थिंग एंड आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, आई वॉज नॉट फीलिंग इन अ ग्रेट मूड. तो मैं थोड़ी देर सो गई उसके बाद. अब मैं उठी हूँ अराउंड, यू नो, मैंने आके लंच वंच कर लिया था, उसकी क्लिप मैं डाल दूंगी. मोम की कढ़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छा बना था, मैंने खाया और फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर ली, मैं सो गई और मैं अभी उठी हूँ. आई जस्ट फ्रेशन्ड अप अगेन, मैंने बाल लाल थोड़े बना लिए, लाइक थोड़ा सेट कर लिया अपने आप को, बिकॉज हम जा रहे हैं टू दी मोस्ट फेवरेट प्लेस ऑफ माई लिटिल ब्रदर एंड बेसिकली मेरी फैमिली. मैं अभी तक नहीं गई उस जगह, बट विंसर स्ट्रीट करके कोई जगह है, पता नहीं मैं गलत बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, हाँ मैं अभी लाइक रिकन्फर्मेशन ले लूँगी, बट विंसर स्ट्रीट करके एक जगह है. इट्स अ फूड स्ट्रीट काइंड ऑफ अ थिंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई हैव ऑलवेज लव्ड फूड स्ट्रीट्स. लखनऊ में भी एक जगह थी जहाँ पर मैं गई थी 1090 के पास, और यहाँ वाले को भी एक्सप्लोर करने के लिए आई एम सुपर एक्साइटेड. तो अभी हम वहाँ पर जाएंगे, सब तैयार हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी तैयार हो गई बिकॉज, यू नो, मेरे को कुछ खास तैयार होना नहीं था, इट जस्ट लाइक गॉट वेरी बेसिक वाला तैयार हुई हूँ एंड बाकी सब तैयार हो रहे हैं एंड देन वील गो एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ स्ट्रीट फूड, अ लॉट ऑफ गुड फूड एंड आई विल शो यू गाइज एंड आई विल टेक यू गाइज अलॉन्ग विद मी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. We'll be right back.
हमारा पहला स्टॉप इज इन मुगलाई जंक्शन, यहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने पहले खाया था तो दे वांटेड मी टू ट्राई, तो मैं पहले वहाँ पे आई हूँ. अभी हमने ऑर्डर किया एक चिकन बिरयानी और उसके साथ बटर चिकन और रुमाली रोटी. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टॉप फॉर विंसर स्ट्रीट. देखते हैं खाना कैसा होता है. हमारा बटर चिकन और रुमाली रोटी आ गया है और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करूँगी. ये और जैसे बटर चिकन जैसा नहीं है जैसे मैंने टेस्ट करा है. ये बहुत ज़्यादा स्वीट एंड पे है, वैसा नहीं है जैसे मैंने और टेस्ट करे. तो ये ज़्यादा ये वाला ज़्यादा स्वीटर एंड पे है एंड बट काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्वीटर एंड पे है. मुझे एवरेज से काफ़ी स्वीटर एंड पे लगा, बट इट्स नाइस, इट्स टेस्टी. आप एक बार ट्राई कर सकते हो ये डेफिनेटली. बटर चिकन तो वॉज लाइक गुड. मैं बिरयानी ट्राई करती हूँ, मैंने ऑथेंटिक बिरयानी खा रखी है सो डेफिनेटली उतना. तो ये भी मुगलाई बिरयानी है जो मेरे कॉलेज एरिया में मिलती है, मुझे वो बिरयानी अभी तक की सबसे बेस्ट बिरयानी लगती है. पर इसको भी खा के देखते हैं कैसी हो रही है. मेरे को कुछ like honestly I just feel that these are like chawal, they don't have lot of masala also, but theek hai, matlab bahut light hai, something which is not suitable for my taste bud. But yahan pe ek gravy de rakhi hai, main uske sath mila ke kha rahi hu, salad type ka, dekhte hain kaisi. वो पर्सनली बिरयानी अच्छी नहीं लगी है, वो पर्सनली बिरयानी नहीं अच्छी लगी. बट ऑल एंड ऑल द फूड इज़ रियली गुड. तो बटर चिकन बहुत अच्छा था, रुमाली रोटी भी स्पेशली बहुत अच्छी थी. तो लेट मी फिनिश दिस एंड देन वील गो टू आर नेक्स्ट स्टॉप. स्टॉप इज मीठा. हम लोग ने डिनर करने, हम डिनर के आए थे. सो आफ्टर आर डिनर इज डन हम लोग कुछ मीठा खाने आए हैं और हम आए हैं लाला जी की मशहूर कुल्फी पे एंड वो काफ़ी ऑथेंटिक वे में कुल्फी सर्व कर रहे हैं. काफ़ी बढ़िया है एक्चुअली, मैं काफ़ी बढ़िया. कैसी लगी? ठंडक में ना कुल्फी खाने का मज़ा ही कुछ और है. द नेक्स्ट डिश इज गुलाब जामुन. मेरे को बहुत पर्सनली पसंद है गुलाब जामुन. सो आई हैव माई प्लेट ओवर हियर. काफ़ी गर्म है बट काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा भी है. मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा.
एक्चुअली में काफ़ी अच्छा है मेरे को, उसका आफ्टर टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा मीठा भी नहीं है और ज़्यादा लाइक यू नो अनकुक्ड भी नहीं है, परफेक्ट परफेक्टली कुक्ड है और परफेक्टली मीठा है. सो नाउ आई विल फिनिश दिस एंड देन फिर मैं आपसे मिलती हूँ सीधा घर पे. सो गाइस आई एम फाइनली बैक होम. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा, मतलब खूब खाया, मतलब मज़े से ठूसा, बिल्कुल भड़ास निकाल ली ऐसे. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये कुछ बाहर का एक्सप्लोरिंग पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना अपना फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो और सब्सक्राइब करना चैनल को एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो एंड प्लीज़ खूब सारा प्यार दो एंड शेयर माई वीडियोज हाउ मच एवर पॉसिबल एंड आई कीप क्रिएटिंग कॉन्टेंट बिकॉज आई लव टू एंड आई लव टू प्रेजेंट इट टू यू. सो विद दैट बींग सेड देन मेरा भाई भी खाना खा के खुश हो गया है. सो विद दैट बींग सेड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन गुड नाइट. चलो बाय.